हेलो, सुनो प्रॉब्लम नंबर 4। गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। सो जैसा कि आपके में गिवन है कि 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है कॉट ए की वैल्यू। सो आपका हो जाना है वो कॉट ए इज इक्वल टू 8 ओवर 15। देन अब हमको फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए, तो उसके लिए पहले हमें वही करना होगा, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल क्रिएट करना है जैसा कि हम करते हैं, और उसके बाद हमने एक जो वैल्यू मिसिंग है उसको हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस के थ्रू, और फिर हमने उसमें लगाना है अपना फॉर्मूला, जो पीवीपी वाला फॉर्मूला हमने बताया हुआ आपको। सो ये मैंने क्रिएट किया है एबीसी कोई भी एक ट्राइंगल, जहां पर आपको पता है कि एंगल ए की बात हो रही है, इसको मैंने नीचे लोकेट कर दिया, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सो कॉट ए, अब यहां पे आता है कि कॉट ए के लिए हम यहाँ पे क्या कैसे लोकेट करेंगे 8 और 15 को, तो उसको हम करेंगे उसी फॉर्म से अपना पीवीपी ओवर एचएचपी वाला जो हमने बताया था आपको। सो इसमें क्या करना है, सी अब हमें कॉट ए लेना है, आपको पता है ये साइन कॉस टेन इसको रिप्रेजेंट करता है, और जो कॉट होता है वो टेन का रिवर्स होता है, तो जैसे ही हम कॉट के लिए बात करेंगे तो आपका ये वी ओवर पी में कन्वर्ट हो जाना है। सो इसको आप लिख सकते हो कॉट ए इज इक्वल टू वी ओवर पी। सो नाउ यू हैव टू नो v इज इक्वल टू 8 हियर एंड p इज इक्वल टू 15, सो जस्ट पुट इट हियर। सो v मीन्स वेस, तो वेस आपका यहां पर आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपका यहां पर आ जाएगा, तो आपको फाइंड करना है यहां पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। सो हम फिर से यूज करेंगे पाइथागोरस का, उसके थ्रू हम फाइंड करेंगे यहां पर हाइपोटेन्यूज। सो वो आपका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो वेस हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, बेस आपको पता है वो आपको 8 गिवन है, सो 8 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। सो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225, राइट। सो इसको एडिशन जैसे आप देंगे तो आपका h इज इक्वल टू आ जाएगा 17, जस्ट बिकॉज इट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू 289, और ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 17 का। सो यहां पे आपने हैप्पीनेस फाइंड कर दिया 17, इट मींस आपकी ये वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 17 आ गई। अब आपको फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे। सो हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए की, साइन ए के लिए आपको फिर से साइन ए वैल्यू फाइंड करना ढूंढना पड़ेगा कहां से, पीवीपी वाले फॉर्म से। सो यहां से साइन ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी पी ओवर एच, मैं इसको लिख लेती हूं यहां पर पी ओवर एच। सो पी आपने यहां पर फाइंड किया हुआ है 15, सो योर आंसर इज 15 ओवर 17। सो साइन ए इज इक्वल टू आपने फाइंड किया 15 ओवर 17। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे सेक ए की वैल्यू, जैसे कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। सो सेक ए आपने फाइंड करने के लिए आप यहां से क्या करेंगे, सेक ए जो होता है हमारा 1 ओवर कॉस ए, आप लिख सकते हैं उसको, राइट। सो कॉस ए की वैल्यू आपकी होती है वी ओवर एच, तो यहां से सेक कितना हो जाएगा एच ओवर वी। सो इसको मैंने यहां पर लिखा एच ओवर वी। अब आपके पास h की वैल्यू कितनी है, h आपका 17 है एंड वेस आपका 8 है, सो यहां से sec a की वैल्यू आपकी कितना निकल कर आएगा, sec a इज इक्वल टू 17 ओवर 8 एंड sin a आपने फाइंड किया 15 ओवर 17। इट इज योर फाइनल आंसर।